लाइव हो? यस सर। तो क्या सेक्शन था आज हमारा? ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन, यस सर। तो किस किस का गाना बजा? यस सर। सबका? यस सर। नॉर्मल पीओ, स्मार्ट पीओ, हेलो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, एंडलेस सीपीयू तक कौन कौन गया? यस सर। सब गए? यस सर। लाइव प्रैक्टिकल? यस सर। अच्छा देव सर ने क्या खाली आपको नॉर्मल पीए बता दिया, एक आईसी बता दिया, दो आईसी बता दिया, तीन? नो सर। नो सर। बताइए मेरे को, मीडिया टेक होता है? सभी सर। मीडिया बना लेंगे? यस सर। क्वालकॉम होता है? यस सर। अगर सैमसंग होता है? यस सर। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करूंगा मैं आपसे, तो बताइए आज का क्लास, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सर, मैं शुभम वर्मा, यूपी अयोध्या से। जी जी सर, आज जब हम लोग सुबह आए तो सबसे पहले सर देव सर का क्लास था। जी देव सर, आज सर हम लोग ऑडियो सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जी सर, आज हमने ये चीज देखा सर, आज हमारे देव सर जो है उन्होंने सर हमारे यहाँ जो दुकानदार है बोरियो देख काम करते हैं, लेकिन आज हमारे देव सर ने बोरियो को भी गलत साबित कर दिया और बोरियो से ज्यादा मतलब हम लोग को भी नॉलेज दे दिए। कौन सी टिप्स कहाँ तक जाती है सर, पैड लाइन पूरा तक उन्होंने बोरियो हम लोग देखे चार लाइन से बताया था, लेकिन हमारे देव सर ने आठ लाइन की पूरा सर पैड लाइन को दिखाई है। मतलब आपकी अगर बोर्नियो के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की तो आपकी पढ़ाई गलत है। गलत है सर। गलत है। गलत है। तो आप सीपीयू तक गए आज? यस सर। उसी का जो सर ने पढ़ाया उसी का प्रैक्टिकल करा? यस सर। नॉर्मल पी होता है, स्मार्ट पी होता है? यस सर। ये बताइए मेरे को कि अगर आपके सामने अगर एक ऑडियो आई रिंगर आईसी रखी हो, यस सर, है ना, एम्पलीफायर आईसी पीए रखा हो, यस सर, तो खाली कंपोनेंट को देख के उसका काम कौन बता सकता है? यस सर। सब बता सकते हैं? यस सर। बड़ी बात पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। हाँ ये देखो बहुत अति सहयोग की लग रहा होगा जो लाइव देख रहा होगा दूसरा इंस्टीट्यूट वाला। यस सर। सर खाली दूर से रखे हुए पीसीबी रखी है तो कंपोनेंट कैसे बता सकते? यस सर। बता सकते कि नहीं? यस सर। बता सकते? यस सर। सर ये नॉलेज होता है। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। नमस्कार सर, मैं विपिन आगरा से। जी सर, आज हमने देव सर के साथ में एक थ्योरी क्लास रखी जिसमें उन्होंने बताया हमें रिंगर आईसी के बारे में, ऑडियो आईसी रिंगर आईसी के बारे में। उसके बाद में हमने उसी का प्रैक्टिकल एमडी सर के साथ में किया जिसका हमने मालूम पड़ा कि जितनी कितनी तरह की लाइनें होती हैं हमारे साथ में, फ्रीक्वेंसी की लाइन अलग होती है, वोल्टेज की अलग होती है, और बिल्कुल सीपीयू लेवल तक हम पहुंच गए उसके अंदर। पूरा फ्रीक्वेंसी की लाइन से अगर कोई कैपेसिटर निकल जाता है, तुम्हारा कपलिंग कैपेसिटर निकल जाता है, तो क्या फॉल्ट आएगा ये बताया आपको? जी सर। बताया आपको? जी सर। अच्छा विदाउट डीओसी से फ्रीक्वेंसी कहाँ चेक कर लोगे सर? विदाउट डीओसी से आपका ऑडियो आईसी सही है कि नहीं है ये चेक कर सकते हो? यस सर। विदाउट डीओसी से? यस सर। हेलो, ऑडियो आईसी पे काम करना है कि नहीं मालूम पड़ गया आपको? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, मैं शुभम आगरा से। जी शुभम, बताइए। सर आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरु आज मेन गुरु तुम्हारे माता पिता, दूसरे गुरु हमारे देव सर, एम डी सर और मिलन सर और दुर्गेश सर, इनसे मिला, इनका आशीर्वाद बहुत बढ़िया मिला और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलता ही जा रहा है। तो अभी नॉर्मल पीए होता है, स्मार्ट पीए होता है, अगर इसकी मैं एंडलेस अगर आपसे फाइंड करने की ट्रेसिंग की बात करूँ तो आप करके बैठे कि नहीं बैठे? 1001% अभी 1001%। थैंक यू सर। सर मैं संजय कुमार जना वेस्ट बंगाल से। हाँ जी सर, आज सुबह से देव सर का क्लास था ऑडियो सेक्शन का, तो हम लोग ऑडियो सेक्शन के बारे में पूरा सर्किट में क्या क्या होता है, पूरा उसका अंदर क्या है, कितना कहाँ से कहाँ तक तो जाना है, देव सर का पूरा जो थ्योरी बताया था उसी का प्रैक्टिकल हम लोग आगे किया था। तो प्रैक्टिकल में भी हम लोग एक एक पैड को चेक करके सीपीयू तक पहुँचा है, तो उसमें हम लोग पूरा ट्रेस किया प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आता है उसका बारे में हम लोग सोल्यूशन दिया है, हम लोग का पक्का सोल्यूशन मिल रहा है, अभी 100 से 110% काम हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर मैं नोएम दास हूँ वेस्ट बंगाल से। जी आज सुबह में ऑडियो सेक्शन का क्लास था देव सर का, और स्मार्ट पीए नॉर्मल पीए क्या होता है तो मालूम नहीं था, देव सर के क्लास लेने के बाद मालूम आ गया। और स्मार्ट पीए का मैंने लाइन सीपीयू से कहाँ तक है वो पता लग गया। तो अगर इसकी ट्रेसिंग की बात करूँ तो ट्रेसिंग का एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके पास? अगर स्मार्ट पीए में अगर वोल्टेज आ रहे हैं, स्मार्ट पीए आपका ओके है, ओके के बाद अगर आपको फिर कौन सी आईसी पे काम करना है, क्या करना है, और वो सीपीयू से कौन सी लाइनें आती है ये मालूम है आपको? यस सर।
कितनी लाइनें आती है सर? सीपीयू से ये स्मार्ट पीए का 8 लाइन आती है। 8 लाइन आती है? हाँ। 8 लाइन की डिटेल आपको डायग्राम में मिली थी क्या? यस सर। ना डायग्राम में नहीं थी, बोनियो में नहीं थी। बोनियो में नहीं थी? और दीप सर का डायग्राम तुम्हारे पास थी? हाँ, नहीं। अरे तुम्हारे पास है कि नहीं है? हाँ, दीप सर देने के बाद। देने के बाद? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू दीप सर। हेलो सर, मेरा नाम जितेश है, मैं मुंबई से हूँ। आज हमने आज हमारी क्लास थी ऑडियो की जी। और रिंगर आईसी की जी। आज हमने जाना कि उनके पैड कैसे होते हैं, उन्हें ट्रेस कैसे करते हैं जी। यहाँ तक कि हमने एंडलेस तक गए कि लाइन कहाँ से चालू होती, कहाँ खत्म होती है, ये किसी डायग्राम में नहीं है जी। और आज हमने जाना कि फ्रिक्वेंसी की भी 8 लाइन होती है, और जहाँ हम फ्रिक्वेंसी हम ये ट्रेस करते हैं डीएसओ से, अगर हमारे पास डीएसओ नहीं है तो हमें उसे कैसे यूज करना है, उसे कैसे ट्रेस करना है, आज हमने फर्स्ट टाइम जाना है, क्योंकि बहुत से लोग डीएसओ नहीं खरीद पाते, तो उसे कैसे ट्रेस करेंगे सर? वो ट्रिक बहुत अच्छी लगी, मैं थैंक यू बोलूंगा एसए टेलीकॉम को, थैंक यू बोलूंगा देव सर को, और सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हमारे गुरु जी, हमारे माता पिता जी, सबको मैं विश कर रहा हूँ, और थैंक यू एसए टेलीकॉम जी। हेलो सर, मैं अमित जी। सर आज देव सर की क्लास थी, हमने ऑडियो सेक्शन जो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, हम लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हैं इस फॉल्ट को सर। हम लोग सिर्फ ऑडियो आईसी में रिंगर और सिर्फ रिंगर आईसी तक ही सीमित थे, आज पता चला कि उसका एंडलेस सॉल्यूशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक पैड लाइन जाती है, और हमें कहाँ से कहाँ तक काम करना है, कौन से फॉल्ट में क्या चेक करना है। तो सर आज हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं एसी टेलीकॉम को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। सर मैं शैलेंद्र पाल जी, अयोध्या यूपी से जी। सर आज सुबह सर देव सर की क्लास में ऑडियो सेक्शन सप्लाई जो भी बताया गया उसको प्रैक्टिकल करके हम लोग जी अच्छे से अच्छा मिला नाले सर, और अच्छे से चेक किए, इसके लिए सर ऑल सर थैंक्स जी। एशिया टेलीकॉम के लिए धन्यवाद जी। हेलो सर, आज गुरु पूर्णिमा है, सारे गुरु जी को बैठ को प्रणाम मैं करता हूँ। सबसे पहले सर आज मैं ऑडियो सेक्शन के बारे में पढ़ाई हुई हमारी क्लास, देव सर के साथ क्लास थी, दो से मैंने 4 घंटे क्लास थी उनके साथ, जो ऑडियो को डीप लेवल तक बताएं सर, बहुत अच्छी नॉलेज मिली उसमें सर। बिना क्या बोलते हैं डीएसओ के अनुसार नहीं चेक कर सकते थे हम लोग, डीएसओ के अनुसार ही चेक करना पड़ता था, कोई भी मैकेनिक कोई भी टेक्नीशियन कोई भी इंस्टीट्यूट वाले यही बताते हैं, लेकिन एमडी सर ने बिना डीएसओ के चेक करने का तरीका जो बताया बहुत अच्छी लगी सर, उसको तो हम बिना डीएसओ के अनुसार हम भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। सर नमस्कार। नमस्ते, मैं उड़ीसा से शिवशंकर पत्र, आज गुरु पूर्णिमा में सभी गुरुओं को नमन करता हूँ जी। और आज सुबह से हमारा जो क्लास था देव सर का क्लास था आज ऑडियो सेक्शन का, और उसमें हमें जो रिंगर आईसी होता है और ऑडियो आईसी कैसे काम करता है, कैसे ऑन होता है, कैसे उसका सेक्शन कैसे है, किसका इनपुट कैसे आता है, और कैसे क्या उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ से इनपुट होता है, कैसे उसका पैड लाइन अब सीपीयू तक कैसे जाता है, फ्रीक्वेंसी कैसे मिलता है, सभी को अच्छी तरीके से समझाए और बहुत अच्छा तरीके से समझाए और पूरा डीपली समझाए, और ऐसे अच्छे तरीके से हमें कोई नॉलेज नहीं था पहले से, उसका कोई भी नॉलेज नहीं था, और अच्छे तरीके से समझे, और इसके उसके बाद हमें प्रैक्टिकल हुआ कैसे आपका हमारे ट्रैक सेक्शन कैसे ढूंढते हैं, कैसे आईसी को पता चलता है रिंगर आईसी कौन सा है, बोर्ड में पीसीबी देखकर कैसे पता चल जाता है कि रिंगर आईसी इसमें कौन सा है, स्मार्ट पीए कौन सा है और नॉर्मल पीए भी कौन सा है, इसका कैसे ड्रेस करते हैं, कैसे वो काम करता है, सभी पता चला, इसीलिए थैंक यू एसए टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू देव सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मैं प्रेम यूपी वाइस रामपुर से जी। सर आज हमारी ऑडियो सेक्शन की क्लास थी जी सर, जिसमें कि हमने जाना कि ऑडियो कैसे वर्क करता है और किसके थ्रू वर्क करता है, पीए जैसे कि उसका सर पावर एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, कितने वोल्ट आते हैं, कौन सी लाइन पे कितने वोल्ट मिलने चाहिए और आउटपुट वोल्ट कितने होने चाहिए, सर उसकी पूरी डिटेल पूरी जानकारी फुल नॉलेज एंडलेस जानकारी पीए से लेके सीपीयू तक, जैसे कौन सी लाइन किस समय कहाँ वर्क करती है, कब किसे क्या कमांड देती है, सर पूरी नॉलेज मिली सर, तो थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू एसी देव। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश कुमार, रामपुर यूपी से।
तो सर आज सुबह हमारी देव सर के साथ में ऑडियो सेक्शन की क्लास थी, जिसमें कि आज सर हमने पढ़ा, अभी तक हम सिर्फ सर मोबाइल का जब रिंगर आई सी रिंगर के बारे में जब फॉल्ट आता था कोई, तो हम केवल उसको ये समझते थे इसमें रिंगर आई सी होती है, लेकिन आज हमको डीप नॉलेज मिली इसमें स्मार्ट पी ए नॉर्मल पी ए इसके बारे में हमको जानकारी मिली, और स्मार्ट पी ए नॉर्मल पी ए के साथ साथ उनकी लाइनों को हम सी पी यू से पावर आई सी से कैसे ट्रेस कर सकते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज मिला सर। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं एम डी सर के लिए और हमारे देव सर के लिए जो कि यहाँ आने पर सब कुछ ये संभव हुआ। थैंक यू एचडी दुकान। थैंक यू जी। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से सर। जी। आज सुबह हमारे देव सर के साथ में क्लास थी। जी। हमको ऑडियो सेक्शन पढ़ाएगा, ऑडियो में रिसीवर पर कहाँ सप्लाई जाती है और रिंगर की, उसके बाद में हमारे शाम के टाइम एम डी सर ने उसको प्रैक्टिकल करा। जी। थैंक यू एचडी दुकान। मैं गणेश महाराष्ट्र से, आज सुबह क्लास 10 बजे से शुरू हुई थी सर के साथ, और उसमें हमने जाना ऑडियो आई सी के बारे में, उसमें कौन सी लाइन कहाँ तक जाती है और एक्टिव वोल्टेज अपना वी पी एच वोल्टेज रिंगर आई सी के लिए जो ऑन करने के लिए चाहिए, और एक्टिव वोल्टेज नहीं मिला तो उसको कैसे बाईपास करते हैं, बाईपास कैसे करते हैं, हाँ वो भी हमने जाना। थैंक यू सर। मेरा नाम पोलेस गोर, मैं यूपी कुशनगर से। हाँ सर, मेरे दोस्तों से क्लास था, रेडियो सेक्शन की क्लास था, जिसने उन्होंने जाना कि रिसीवर कितना कैसे होता है, कहाँ किस कैसे पॉइंट जाती है, कहाँ कितने वोल्टेज आते हैं, और हम लोगों ने देखा कि ट्रेस करके देखा कि कौन सी पी में गया, कैसे आई डी की लाइन कहाँ गई है, तीसरी लाइन कहाँ गई है सर। इसके लिए हम एसी टेलीकॉम को धन्यवाद देते हैं। नमस्ते सर। सर आज मेरा देव सर के साथ सर सुबह ऑडियो सेक्शन ऑडियो की क्लास थी सर, जिसने हमारे देव सर ने मुझे 3-4 घंटा पूरी थ्योरी बताए कि कैसे क्या होता है, कैसे पूरा नॉलेज दिए, फिर वही थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल किया सर, हमारे एमडी सर ने उसको प्रैक्टिकल कराया सर। आज हम सर ऑडियो आईसी में, जैसे पहले से क्या होता था, हम दुकान पर काम करते थे, कोई कस्टमर आगे बोला सर इसका स्पीकर बहुत कम काम करे, कम साउंड आ रहा, तो हम लोग क्या करते सर सीधा पावर आईसी या नई 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 नॉलेज था सर, पावर आईसी काम करते थे या किसी ऑडियो पर काम करते सर, लेकिन इसका सर सोल्यूशन नहीं था। तो आज हमारे देव सर और हमारे एमडी सर प्रैक्टिकल बताए किसका प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन सा कैपेसिटर में से प्रॉब्लम होता है, कैसे इसका काम करता है, इसको कैसे चेक करें, इसका लाइन कहाँ जा रहा है, सब सब इन डिटेल्स पूरा एकदम नॉलेज मिला सर हमको आज। तो मैं ऐसे जरूर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एमडी सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, देव सर को जय हिंद जय भारत। हेलो, मैं संजीव वाराणसी से। जी। पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। आज सर मेरा सुबह में क्लास था ऑडियो सेक्शन का, जिसमें हमें ऑडियो सेक्शन के बारे में बताया गया कि नॉर्मल पीए भी होता है और स्मार्ट पीए भी होता है, उसमें कहाँ से वोल्टेज आता है, कौन सा सिग्नल आता है, किससे किस सिग्नल से इनेबल होता है, और सीपीयू से कौन कौन सा सिग्नल आता है, इन सब के बारे में हमें बताया गया। और अगर मेरी कोई लाइन वगैरह ब्रेक हो जाती है तो हमें उसे कैसे ट्रेस करना है इंडलेस तक और सीपीयू तक, कैसे उसे ट्रेस करके जाना है, ये सब भी हमें उसमें आज सिखाया गया, बताया गया, जिसका हमने आज प्रैक्टिकल भी किया। आज हमें बहुत ऑडियो सेक्शन के बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। धन्यवाद एशिया टेलीकॉम। सर मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। सर आज हमारी देव सर के साथ ऑडियो सेक्शन की क्लासेस थी, सर आज हमें उनसे ऑडियो सेक्शन कैसे काम करता है वो पूरा नॉलेज मिला सर, और अब मुझे सर ऐसा नॉलेज हो गया कि कोई भी मदरबोर्ड मोबाइल का तो उसमें ऑडियो आईसी कहाँ लगी हुई है, बिना बॉर्नियो और बिना स्कीमेटिक डायग्राम के मैं बता सकता हूँ सर। ऑडियो आईसी के अलावा जो ऑडियो पीओ होता है उसकी भी जानकारी मुझे है, वो भी मैं बिना स्कीमेटिक डायग्राम के फाइंड आउट कर सकता हूँ सर। और उसके बाद जो ऑडियो सेक्शन हमारा कैसे काम करता है, उसकी कितनी वोल्टेजेस की लाइन होती है, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसीज की लाइन होती है, जो सीपीयू से होती है, वो सारा का नॉलेज है सर हमारे पास। तो उसके लिए थैंक यू शेड वेलकम और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं इलाहाबाद से। जी। मेरा नाम मोहम्मद जयउद्दीन। जी सर, आज हम लोग की ऑडियो की क्लास थी और ऑडियो आईसी की क्लास थी, तो उसके बारे में हम लोग को सारी चीज़ें बताई गई, कैसे क्या है, कैसे ट्रेस करना है, सारी चीज़ें इंडलेस तक पूरा। तो हम लोग ने अभी आज बोर्नियो भी खोला, तो उस पर भी हम लोग को स्टमक उसको भी खोला, लेकिन हम लोगों को उस पर सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम लोगों ने खुद से अपना डायग्राम बनाया जैसे कि देव सर ने बताया हम लोगों को।
तो उसमें हम लोग को एंडलेस भी मिला और हम लोग सीपीयू तक जो है कैसे पेडलाइन कैसे ट्रेस करना है सब चीज़ें हमको देव सर ने बताया। तो उसके लिए सर थैंक यू, एशिया टेलीकॉम के लिए धन्यवाद। जी बताइए क्या करें भैया। सर आज हमारी ऑडियो की क्लास थी रिंगर की, हमने जाना कि रिंगर आईसी के नीचे बॉल्स कितने होते हैं, उनकी ट्रेसिंग कैसी होती है, और हमने जाना कि इनमें सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, और हमने ट्रेस किया और डायग्राम भी बनाया। सर अच्छी टेस्ट कर पा रहे हैं आप? यस सर। कोई लाइन टेस्ट करके दिखा सकते हैं आप? हाँ ये देखिए यहाँ पे ये EN की सप्लाई है, ये यहाँ पे ये हमने ट्रेस किया, ये सीधा पीछे CPU में जाती है, ये यहाँ पे CPU पे जाती है, ये हमने ट्रेस किया। थैंक यू एस टेलीकॉम। हाँ जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर ये ऑडियो सेक्शन में हम लोग इसकी पूरी फ्रिक्वेंसी और उसके बॉल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं और कौन सा पॉइंट क्या काम करता है उसकी पूरी ट्रेसिंग करके और हम लोगों ने इंडलेस रेजोल्यूशन ढूंढा है इसका। तो रिंगर ऐसे का और ऑडियो ऐसे का सारा चीज मतलब ए टू जेड ट्रेसिंग कर पा रहे हैं आप? जी सर पूरा। उसका पैड लाइन तक उसका GR कहाँ से आता है सारा चीज टेस्ट कर पा रहे हैं आप? जी सर पूरा पैड लाइन। कोई लाइन टेस्ट करके दिखा सकते हैं अभी आप? जी सर जैसे कि ये फ्रिक्वेंसी की लाइन है। जी ये फ्रिक्वेंसी की लाइन जो है CPU से आई हुई है, तो इसको मैंने जंपर करके रखा है। अच्छा पहले से जंपर करके रखे हैं आप? जी सर। ट्रेसिंग करने के बाद मैंने जंपर किया है चेक करने के लिए, और उसके बाद ये इसे चेक किया था मैंने। कहाँ जा रहा है वो लाइन? पावर में जा रहा था। अच्छा मेन पावर आईसी में जा रहे हो? जी सर। ये सारा चीज़ जो आप बोल रहे हो सारा चीज़ ट्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं आप? जी सर मैं पर अच्छे तरीके से चेक कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी बताइए क्या करें भैया? सर हम ऑडियो की क्लास है हमारी रिंगर और इसकी रिंगर रिसीवर की, तो मैं इसके ऑडियो की फ्रिक्वेंसी चेक कर रहा हूँ रिंगर की, यहाँ पे वोल्ट कहाँ से आते हैं, ये DC to DC IC है, इससे 4 वोल्ट इस पर ट्रेसिंग पे आते हैं। तो आपको IC का सारा रिक्वायरमेंट समझ में आया? यस सर। कि IC को चलने के लिए कौन कौन से वोल्टेज चाहिए, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी चाहिए, जी कहाँ से GR आता है, सारा चीज़ आपको मालूम है? जी सर। कोई लाइन आप ट्रेस करके दिखा सकते हैं आप? जी सर दिखाइए। जैसे देखो ये लाइन है, इस पे 4 वोल्ट आती है, ये DC to DC से आती आती है। BPH का है वो? BPH की। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए ये हमारा I2C की लाइन है जो हम चेक कर रहे हैं। जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्या चेक कर रहे हैं भैया? EN का लाइन चेक कर रहे हैं। अच्छा EN सिग्नल चेक कर रहे हैं आप? EN सिग्नल चेक कर रहे हैं जो हम अपने फुल टेस्टिंग कर रहे हैं। मीटर आपका बंद हो चुका है, एक बार चालू कर लीजिए उसको। कहीं जंपर कहाँ से मारे हैं? EN का रजिस्टर से जंपर मारे हैं? यस। ठीक है टेस्ट कीजिए। तो ये तो EN का लाइन आप टेस्ट कर चुके हैं, तो आप बस ये नहीं चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका IC का रिक्वायरमेंट है इससे BPH कहाँ से आता है वो सारा चीज़ आप टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं आप? जी सर चेक कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एशिया टेलीकॉम।
जी बताइए क्या करें जी सर। जी जो फ्रिक्वेंसी की लाइन होती है जिसे हम आईएन कहते हैं, आईएन पॉजिटिव कहते हैं जी, चाहे कमांड भी बोलते हैं, इसी लाइन को ट्रेस कर रहे हैं सर। जो हमारे थीम आईडियो ऐसी है, जो PMIC बोलते हैं उसको हम, उसमें गई है, वही ट्रेक कर रहे थे सर, ये मिली है हमको। कौन सा लाइन मिला है ये सर? ये आईएन की, आईएन पॉजिटिव लाइन है जिसे कमांड बोलते हैं या फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। फ्रिक्वेंसी लाइन ट्रेस कर रहे हैं जी सर। तो सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, सब सब समझ में आ रहा है, क्या 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 काम करता है सब पता चल गया। चलो ठीक है, थैंक यू जी सर, थैंक यू जैसे टेलीकॉम, थैंक यू। क्या करें यहाँ सर? इस समय हमने ऑडियो सेक्शन में सर ये आईसी के बारे में पढ़ा है, ऑडियो आईसी के जी। तो इस समय सर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी की लाइन चेक कर रहा हूँ पावर आईसी से ट्रेस करके, क्योंकि तो आज देव सर के माध्यम से हमने सीखा था और MD सर के माध्यम से इसको हमने प्रैक्टिकली किया है जी। जी सर, तो ये सारा जो आपने जो जो चीज़ अपने थ्योरी में पढ़ी है जी, सारा चीज़ प्रैक्टिकली में आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकली मिल रहा है सर, सारा चीज़ टेस्ट कर पा रहे हैं। हाँ, बड़े आराम से टेस्ट कर पा रहे हैं। इस समय फ्रिक्वेंसी की मैं पॉजिटिव लाइन ट्रेस कर रहा हूँ सर, ये जो कि ये पावर में जाती है और ये हमारे पावर आईसी के, जो पावर आईसी यानी कि इसके पास में क्रिस्टल होता है, ये पावर आईसी होती है, ये भी हमने यहीं आके जाना था, तो ये इसके देखो इस पॉइंट पे मिल रही है ये, ठीक है। इस हम बड़ी आसानी से इसको, हम ये टेक जो मिली है हमारे देव सर के माध्यम से, अब इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ये एंडलेस पॉइंट है सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर अभी तो आईडियो आईसी यस सर, आईडियो आईसी क्लास है सर, इसमें बी बैट की लाइन चेक करते हैं और इनेबल सिंगल की जो CPU से आती है, BPS की लाइन चेक कर रहे हैं आप? यस सर। और कौन कौन सा लाइन चेक कर रहे हैं? इनेबल सिंगल की लाइन चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, लाइन मिला कि नहीं आपको? सर मिल गया सर, देखिए अच्छे से ट्रेस करके बताएंगे आप। यस सर, ये इनेबल की लाइन है सर। वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं? वही सर कर रहे हैं, मिल रहा है सारा चीज़, सारा चीज़ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी सर, हमारा जो थियोरी का था, जो हमारा जो आज आपका ऑडियो सेक्शन का क्लास था, ऑडियो सेक्शन क्लास, आप क्या क्या ट्रेस कर रहे हैं अभी आप? हम अभी इसका जो BPH क्या कहाँ से मिल रहा है, जो रिंगर आईसी का BPH मिल रहा है और एनेबल सिग्नल कहाँ से मिल रहा है और फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिल रहा है, वो हम ट्रेस कर रहे हैं अभी। तो जो चीज़ आप थ्योरी में पढ़े वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं करने को? जी सर जी, सारा चीज़ समझ में आ रहा है आपको? जी सर। अभी आप कोई लाइन ट्रेस करके दिखा सकते हैं? जी सर, दिखाइए कौन सा लाइन ट्रेस करें आप? ये है जो DC IC है। हाँ जी, DC इसे BPH जी VBAT से VBAT मिलता है, BPH मिलता है उसी DC से। हाँ, VBAT DC IC को इनपुट होता है, उसके बाद BPH बनता है, BPH हमारा जो रिंगर IC है उससे BPH मिलता है 4 वोल्ट का। और तो 4 वोल्ट का जो BPH लाइन है वो आपको ट्रेस करने में मिला कि नहीं मिला? जी सर। कहाँ पे मिला है बताइए थोड़ा? नहीं मिला है इसका है। तो मैं आपसे बोलूँ, चाहे BPH हो, EN हो, कमांड की लाइन हो, हाँ सर, ये सारा जो लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे फ्रीक्वेंसी की लाइन हो, सारा चीज़ आप ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं? जी सर जी सर, सारा चीज़ समझ में आ रहा है आपको? जी सर। चलिए ठीक है, अल्लाह थैंक यू सर। टेलीकॉम जी भाई, क्या कर रहे हैं आप? सर आज सर मैं ऑडियो सप्लाई का क्लास था जी, तो उसका अच्छे ऑडियो सप्लाई, ऑडियो में आपका अच्छे क्या क्या सप्लाई बनता है, क्या क्या सिग्नल बनता है, उसका कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा EN है, कौन सा BPH है,
उसके बारे में समझा गया था, उसका प्रैक्टिकल में हम लोग पूरा बोर्ड में ट्रेस करके चेक किया हूँ। ये जो आप जो भी सप्लाई आप बोल रहे हैं, हाँ, सारे सप्लाई आपको प्रैक्टिकल करने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। जो चीज़ पूरा मैं चेक किया, देव सर ने आपको बताई है, जो थ्योरी में पढ़ाई है, वो सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सारा चीज़ समझ में आ रहा है आपको? सारा चीज़ आप कोई लाइन टेस्ट करके दिखा सकते हैं? हमें कौन सी लाइन टेस्ट करके दिखा रहे हैं? मैं आपका ई एन वाला लाइन में चेक करके दिखा रहा हूं। चलिए दिखाइए। ई एन का लाइन यहाँ पे आ रहा है पावर में, इसका यहाँ तक आ रहा है, इसका बाद पावर का अंदर गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बताइए, क्या करें अभी आप? ऑडियो सेक्शन का क्लास था जी। PPH का लाइन खोज रहा हूँ जी। PPH में वो जो ऑडियो सेक्शन का EN लाइन है जी, खोज के दिखा रहा हूँ। तो ऑडियो का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा चीज़ आपको समझ में आया? सारा चीज़ आपको थ्योरी में देव सर ने बताया होगा, तो प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है कि नहीं? सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ना? अभी कौन सा लाइन ट्रेस्ट कर रहे हैं भैया? थोड़ा ट्रेस्ट करके दिखाएंगे EN का लाइन ट्रेस्ट कर रहा हूँ जी। हाँ, थोड़ा ट्रेस्ट करके दिखाइए हमको भी। CPU में गया है EN का लाइन। अच्छा अच्छा, ये आप अलग से नीचे से जंपर लगा कर रखे ताकि आपको मतलब बोर्ड पलटने में उलझने ना पड़े, है ना, दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा, ये CPU में आ रहा है जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू। हाँ जी जी, बताइए क्या करें भैया? हमारे रिंगर IC से जो है इसकी EN की लाइन चेक कर रहे हैं, पावर IC के और CPU के अंदर। ये कौन सा लाइन टेस्ट कर रहे हैं भैया? EN की लाइन चेक कर रहे हैं। EN की लाइन टेस्ट कर रहे हैं जी। थोड़ा बताइए हमको भी जी, दिखाता हूँ मैं आपको इसे। देखिए पावर के अंदर यहाँ पर आ रही है, यहाँ जा रही है। रिंगर IC से तो ये सारा चीज़ आप टेस्ट कर पा रहे हैं जी। आप थ्योरी में पढ़े हैं देव सर से जी जी बिल्कुल, तो सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा जी? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। तीसरे नंबर पे आ रही थी। हाँ जी बताइए क्या करें अभी? क्या सर? क्या करें अभी आप? सर ये पैड लाइन चेक कर रहा हूँ मैं इसकी। रिंगर IC कर रहे हैं आप? रिंगर IC सर, रिंगर IC का पैड लाइन चेक कर रहे हैं। हाँ, तीसरे नंबर पर आ रही है ये। देखिए सर, कौन सा पैड है? देखिए काई की लाइन है वो, हैं रिंगर IC की। तो आप जो जंपर मारे हो, ग्राउंड से जंपर लिए ना? नहीं, ग्राउंड से नहीं लिया। हाँ, गलत जंपर। और वो एक ग्राउंड सर, ग्राउंड से जी बताइए क्या करेंगे आप? जी सर, हम लोग आज ऑडियो सेक्शन काम हो रहा था सर, चेक हो रहा था जी। सर जी सर, हमें अभी ऑडियो सेक्शन में आज आपकी क्लास देव सर के साथ ऑडियो सेक्शन की थी। यस सर। तो ऑडियो सेक्शन को आप टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ऑडियो इनेबल, मतलब एक मोबाइल में ऑडियो को मतलब बजने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं? तो सारा चीज़ जो आप थ्योरी में पढ़े वो प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? यस सर। थोड़ा एक दो लाइन टेस्ट करके दिखा सकते हैं सर? इनेबल लाइन टेस्ट कर रहे हैं। इनेबल की EN की। यस सर। EN का लाइन आपको कहाँ पे मिला है? CPU में मिला है। और दिखाइए हमें भी। यस सर। सारा लाइन आप टेस्ट कर पाएंगे? यस सर। Thank you.
जी बताइए क्या करोगे आप? जी सर हम समझ चेक कर रहे हैं। आज आपका ऑडियो सेक्शन का क्लास जी सर, ऑडियो सेक्शन का क्लास था और हम चेक कर रहे हैं सर इसमें रिंगर आईसी से फ्रीक्वेंसी जो निकलती है पावर आईसी में कहाँ पर है ये सेक्शन चेक कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की लाइन चेक कर रहे हैं जी सर। तो फ्रीक्वेंसी लाइन आपको मिल रहा है कि नहीं पाऊँ? जी सर मिल गई है, यहाँ पर है थ्योरी में पढ़ाया गया वो सारा चीज़ पिछले दिनों मिल रहा है। एकदम एकदम चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू। जी क्या बताइए क्या करें सर? हम सर रिंगर आईसी का वर्क देख रहे थे। आज आपका ऑडियो सेशन का क्लास था तो आप अभी क्या टेस्ट कर रहे हैं? इस पे रिंगर आईसी पे देख रहे थे कि यहाँ से जो 4 वोल्ट आती है और यहाँ से सीपीयू जो मेरा रिंगर आईसी का रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं आप? हाँ सर। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? वो चीज़ आपने देव सर ने आपको जो पढ़ाई है थ्योरी में वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है कि नहीं आपको? मिल रहा। अभी आप कौन सी लाइन टेस्ट कर रहे हैं? 4 वोल्ट की लाइन बीपीएस की लाइन टेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो मिला कि नहीं बीपीएस की लाइन आपको? मिल रहा। तो हमको भी बताइए मेरा 4 वोल्ट की लाइन जो है डीसी डीसी आईसी से यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा जी। फिर यहाँ से सीपीयू से मेरा 1.8 वोल्ट का ईएन का आएगा फिर ये आईसी इनेबल हो जाएगी वर्क करेगा। फिर इधर से मेरा रिंगर आईसी से यहाँ से सिग्नल आ रहा फिर रेजिस्टेंस। ये जो सारे चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं कि मतलब पूरा समझ के कर रहे हैं? चेक करके कर रहा हूँ सर, मतलब ट्रेस करके। जो आपने सर ने जो आपको पढ़ाई है हाँ? तो सारा चीज़ समझ के आप बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे हवा में बोल रहे हैं सुन के बोल रहे हैं? समझ के बोल, पूरा समझ के बोल रहे हैं ना? हाँ? तो सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। जी बताइए क्या करें भैया? सर ये ऑडियो सेक्शन का सर सीपीयू से कनेक्शन चेक कर रहा हूँ जी। तो सीपीयू में आपका कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं इसका? यस सर अभी चेक किया मैंने सर, अभी तो कनेक्शन आ रहा है सीपीयू से कनेक्शन ओके। सर अब मुझे इसका फ्रिक्वेंसी वाली लाइन चेक करनी है जो ऑडियो ऑडियो आईसी से आती है यहाँ पर जी, वो चेक करनी है। तो ये सारा चीज़ ट्रेस करते बन रहा है आपसे? यस सर ट्रेस करते बन रहा है सर। ये भी यहाँ ऑडियो आईसी है, यहाँ से मैं चेक करूँगा अभी। ये ऊपर ऑडियो आईसी लगी है और ये नीचे हमारी ऑडियो का पीए सेक्शन था तो वहाँ से कंटिन्यूटी चेक करेंगे सर हम। जी बताइए क्या करें भैया? रिंगर का फ्रीक्वेंसी लाइन ट्रेस कर रहे हैं और ये पावर आईसी मिला है इसका सप्लाई ठीक है अभी। कौन सा लाइन मिला है? फ्रीक्वेंसी वाला लाइन मिला है आपको? जी जी फ्रीक्वेंसी वाला लाइन। फ्रीक्वेंसी लाइन ट्रेस करेंगे कि जो भी आपको ऑडियो का रिक्वायरमेंट है, ऑडियो फोन में ऑडियो बजने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ आपको पता है कि नहीं? जी पता। वो सारा चीज़ आप टेस्ट कर पाएंगे कि नहीं? जी जी। पावर से कौन कौन सी सप्लाई चाहिए, सीपीयू से कौन सी सप्लाई चाहिए, रिंगर आईसी को क्या क्या चाहिए वो सारा चीज़ समझ में आ रहा है आपको? सारा चीज़ टेस्ट करते बन रहा है आपको? चलिए ठीक है थैंक यू। बताइए क्या करें भैया? सर मैं ऑडियो आईसी का सर इंजन सिग्नल चेक कर रहा हूँ सर जी, कि सीपीयू में कैसे जा रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। हाँ सर कहाँ से कहाँ से टेक गया है उसका वो सब चेक कर रहा हूँ। तो सारा ट्रैक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर पूरा ट्रैक मिल रहा है। आपको देव सर ने जैसे पढ़ाए हैं आपको थ्योरी में यस सर, वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है आपको? एकदम सर पूरा एकदम अच्छे 100% मिल रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
जी बताइए क्या करें भैया। सर मैं ईएन सिग्नल चेक कर रहा हूँ जी, जो सिटी से आता है जी, एडवाइस को एक्टिव करने के लिए जी, वो चेक कर रहा हूँ सर। तो सीपी में उसको लाइन मिला आपको ईएन का? हाँ हाँ मिला सर। ये यहाँ से सर ये जंपर लगाया है। अच्छा, मैंने लाइन पे जंपर लगा लिए हैं। हाँ जी ठीक है। ईएन सिग्नल पे जो आईसी की पैड रहती है वहाँ पे जी, और वहाँ से सीपीयू तक देख रहा हूँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये पिन नंबर 3 पे आ रहा है सर, 2 पे आ रहा है, 2 पे। तो सारा चीज ट्रेस करते बन रहा है आपसे? यस सर। ठीक है, थैंक यू। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले। तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के।
हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा
परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को बोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को
आठ घंटे की क्लास चलती है? बारह घंटे होता है क्लास। तो आज आपका आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किस किस लिए करा ये? एक बार करा कि बार बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? तो सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर। यस सर। तीसरे दिन पावर किस किस लिए करा था? यस सर। सबने किया था? यस सर। और चौथे दिन आपका सीपीयू? यस सर। तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? यस सर। सबका? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। इधर? यस सर। तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। तो ये प्रोसेस आप कितनी बार किए सर? आज ईमानदारी आज मेरा तीसरा चौथा दिन है एशिया टेलीकॉम ज्वाइन होते हुए। आज मैंने 6E 6F 4G मोबाइल को सीपीयू निकाल कर और डाला, ऑन भी हो गया, ऑन बोर्ड में से निकाल कर डाला हूँ, प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। कितने बार मजा रन हुआ सर? वन टाइम में। पहले फ़ोन चालू था ऑन था। और आपने सीपीयू को माउंट किए? यस। फ़ोन फिर से चालू हो गया? यस। तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, एशिया टेलीकॉम का MD सर को भी, प्रैक्टिकल कराने वाले सर को भी थैंक यू, सारे सर को थैंक यू, एशिया टेलीकॉम को थैंक यू। देते आज हमारा चौथा दिन था एशिया टेलीकॉम में। आज हमने मॉर्निंग में सीपीयू रिबॉलिंग का, माउंट रिमाउंट का प्रैक्टिस किया पहले। बाद में हम लोग ने चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाला और वापस से हमने रिबॉलिंग करके लगाया और ये हमारा जॉब डन हो गया। आज तक हमने सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया सीपीयू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर और थैंक यू MD सर। जी बताइए सर। आज 4G हैंडसेट से क्लास का चौथा दिन था सर। 4G हैंडसेट से हम लोगों ने सीपीयू निकाला सर और यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके डाला तो चालू हो गया सर। अच्छा, यूनिवर्सल से रिवॉल्व किया आपने? यस सर। कितने बार में जब डन हुआ आपसे? पहले बार में डन।